बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में खासतौर पर जब इलेक्शन करीब हो, कुछ ना कुछ जायज हो जाता है हमारे हुक्मरानों के नज़दीक, हमारे सियासतदानों के नज़दीक। कुछ ऐसे सियासी नारे हमें सुनाई देते हैं जिनकी शायद कुछ हकीकत नहीं होती या फिर उनका कोई वजूद नहीं होता, और इन्हीं नारों से शायद हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान वोट लेकर इस मसनद इकतदार पर बैठते हैं। लेकिन जब वो यहाँ बैठ जाते हैं तो उनको आवाम के इशूज की शायद फिक्र नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे इशूज को खोल दिया जाता है जिसे शायद हम पेंडोरा बॉक्स भी कहते हैं। और फिर अगले इलेक्शन की तैयारी की जाती है कि किस तरीके से इक्तदार में दोबारा आया जाए। आज ही के मुल्क के हालात का अगर हम जिक्र करते हैं कि मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली गायब है, पेट्रोल की प्राइसेज एक सेंचुरी जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं, 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा हो गया। कराची से रोजाना 10 के करीब 10, 12, 16 के करीब लाशें मिलती हैं, बाजोड़ की सूरत हाल हमारे सामने है। दहशतगर्द एक बार फिर सरगर्म हो गए और हमारे फौजी जवानों की कटी हुए सर कटे हुए लाशें हमें मिल रही हैं। मुल्क में धमाकों का सिलसिला जारी है, साथ ही साथ कहीं पर तो फिरका देखकर लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं। ये हम पाकिस्तान के मजमूई सियासी अंदरूनी हालात का जिक्र कर रहे हैं, और इस मुल्क के रियासती हुकाम को ये फिक्र लगी है कि किसको इस गद्दी पर बिठाया जाए, कैसे नए सूबे बनाए जाएं। किसी को ये फिक्र लगी है कि नए सूबे तो बनाने ही हैं, और किसी को किसी के बेटे के नाम पर तनकीद करके अपना मसला या मकसद हासिल किया जा रहा है, या अपने मुखालफों के खिलाफ पर्चे कटवाए जा रहे हैं। अपोजिशन की सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, आज जो मरी में उनका इजलास हुआ, सारा फोकस सिर्फ इस बात पर हुआ कि नए सूबों के हवाले से नून लीग को क्या करना चाहिए, कमीशन में बैठना चाहिए या इसको नामंजूर करना चाहिए। उन्हें लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी और दीगर पाकिस्तान के जो इस वक्त इश्यूज हैं, हुकूमत की तरह उनको भी शायद याद नहीं आए। दूसरी जानेब हम जिक्र करते हैं पीर पगारा साहब का, वो ये कहते हैं कि उनको इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, खून ही खून उनको इस वक्त मुल्क में दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानेब अल्ताफ हुसैन साहब भी फिरका वारियत के हवाले से बोल रहे हैं कि हुकूमत और फौज को इस वक्त हरकत में आना होगा, अगर किसी ने होश के नाखून ना लिए तो मुल्क बहुत तबाही की जानिब जा सकता है। तो क्या यह टाइम वाकई ही आपस में इस वक्त झगड़े का है, या फिर मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल को, असल इश्यूज को हल करने की जरूरत है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरीन राजा साहिबा, नसीर भुट्टा साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।